Hello students, how are you? Welcome to SBS class, English classes. We are here to study video number 2 from the lesson Albert Einstein at school. तो वीडियो नंबर 2 में जब आइंस्टाइन इतिहास के अध्यापक को ये कहता है कि मुझे युद्धों की तिथियों को याद करने में या कौन सी सेना ने अधिक लोग मारे इनमें कोई विशेष बात नहीं दिखाई देती, मुझे तो इस बात में रुचि है कि वे सैनिक एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं, इस बात में रुचि है। तो जब इस बात को कहता है तो फिर इतिहास का अध्यापक मिस्टर ब्राउन क्या कहता है, दैट्स एनफ, मिस्टर ब्राउन्स आई वर कोल्ड एंड क्रूअल। मिस्टर ब्राउन के नेत्रों में कोल्डनेस, रूखापन एंड क्रूअल और क्रूरता थी, या मिस्टर ब्राउन के नेत्रों में या मिस्टर ब्राउन के नेत्र रूखेपन से और क्रूरता से भरे हुए थे। क्या कहा, दैट्स एनफ, बहुत हो चुका, वी डोंट वांट ए लेक्चर फ्रॉम यू, लेक्चर मीन्स भाषण, हम तुमसे भाषण सुनना नहीं चाहते हैं या हमें आपसे भाषण सुनने की आवश्यकता नहीं है। आइंस्टीन, हम आपका भाषण सुनना नहीं चाहते हैं। यू विल स्टे इन फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड टूडे, यू विल स्टे इन, स्टे मीन्स स्कूल में रुकना पड़ेगा, फॉर एन एक्स्ट्रा पीरियड एक अतिरिक्त घंटे के लिए, एक अतिरिक्त पीरियड के लिए, टुडे आज, आइंस्टीन आज आपको स्कूल में एक अतिरिक्त पीरियड के लिए रुकना पड़ेगा। Although I don't imagine it will do you much good, यद्यपि, although मीन्स यद्यपि, I don't imagine, मैं नहीं जानता हूँ या मैं नहीं समझता हूँ या मैं नहीं सोचता हूँ, इट विल डू यू मच गुड, ये आपके लिए अधिक लाभकारी होगा, ये आपके लिए अधिक अच्छा होगा, इस बात को मैं नहीं समझता हूँ। इट वॉन्ट डू द स्कूल एनी गुड आइदर, और न ही इससे स्कूल को कोई लाभ होने वाला है। यू आर ए डिसग्रेस, तुम कलंक हो, तुम अपमान हो। आई डोंट नो वाई यू कंटिन्यू टू कम, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, वाई यू कंटिन्यू टू कम, वाई यू कंटिन्यू टू कम, कि तुम या तुमने, कि तुमने यहाँ, टू कम यहाँ आना, कंटिन्यू मीन्स क्यों जारी रखा। इतिहास का अध्यापक आइंस्टीन से कहता है कि भाई मुझे ये मालूम नहीं, मैं ये नहीं जानता कि तुमने यहाँ स्कूल में आना क्यों जारी रखा हुआ है। तो फिर क्या कहता है आइंस्टीन, इट इज नॉट माय विश सर, एल्बर्ट पॉइंट आउट, एल्बर्ट ने कहा, पॉइंट आउट मीन्स कहा, श्रीमान ये मेरी इच्छा नहीं है। देन यू आर एन अनग्रेटफुल बॉय एंड ऑट टू बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, इतिहास का अध्यापक कहता है, देन तो फिर यू आर अनग्रेटफुल, यू आर एन अनग्रेटफुल, अनग्रेटफुल कहते हैं कृतघ्न, अर्थात जो कोई एहसान नहीं मानता है उसे कृतघ्न कहा जाता है, तो फिर तुम एक कृतघ्न लड़के हो। एंड और टू बी असेम्ड, और तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, लज्जित होना चाहिए ऑफ योर सेल्फ, अपने आप पर।
आई सजेस्ट यू आस्क योर फादर टू टेक यू अवे आई सजेस्ट यू। इतिहास का अध्यापक आइंस्टाइन से कहता है कि मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता से अपने आप को स्कूल से हटाने के लिए या स्कूल से ले जाने के लिए कहो। इतिहास के अध्यापक ने कहा कि मैं तुम्हें सुझाव देता हूँ कि तुम अपने पिता से अपने आप को स्कूल से हटाने या स्कूल से ले जाने के लिए कहो। एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल व्हेन ही लेफ्ट द लेफ्ट स्कूल दैट आफ्टरनून। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, मोस्ट डेज वर बैड नाउ एनीवे, बट बिकॉज ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग। क्या होता है, एल्बर्ट फेल्ट मिजरेबल, एल्बर्ट को दुख हुआ, एल्बर्ट दुखी हुआ, मिजरेबल मीन्स सैड, एल्बर्ट को दुख हुआ या एल्बर्ट दुखी हुआ व्हेन ही लेफ्ट स्कूल जब उसने स्कूल को छोड़ दिया, दैट आफ्टरनून उसी दिन तीसरे पहर को, जब तीसरे पहर को उसी दिन उसने स्कूल छोड़ दिया तो उसे दुख हुआ। नॉट दैट इट हैड बीन ए बैड डे, दुख इसलिए नहीं हुआ कि यह दिन यह बुरा दिन था उसके लिए, यह बुरा दिन रहा, मोस्ट डेज वर बैड नाउ, बल्कि इसलिए कि उसके अधिकतर दिन अब बुरे थे। एनीवे कुछ भी हो, बट बिकॉज पर इसलिए क्योंकि, ही हैड टू गो बैक टू द हेटफुल प्लेस द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले प्रातः को ही हैड टू गो बैक, उसे वापिस जाना था टू द हेटफुल प्लेस, उस घृणित स्थान पर। घृणित स्थान का अभिप्राय है स्कूल से, वह स्कूल को घृणा करता था, परंतु इसलिए कि उसे अगले दिन उस घृणित स्थान अर्थात स्कूल को वापस जाना था। ही ओनली विश्ड हिज फादर वुड टेक हिम अवे, बट देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग। ही ओनली विश्ड, उसने केवल इच्छा की, हिज फादर वुड टेक हिम एनी वे, सॉरी हिज फादर वुड टेक हिम अवे, उसने केवल यह इच्छा की कि उसके पिता उसको किसी और स्थान पर ले जाएंगे, टेक हिम अवे, किसी और स्थान पर ले जाएंगे, बट परंतु देयर वॉज नो पॉइंट इन इवन आस्किंग, लेकिन पूछने से भी, यहाँ नो पॉइंट मीन्स पूछने का भी कोई विशेष महत्व नहीं था या कोई विशेष लाभ नहीं था पूछने का भी। ही न्यू, वह जानते थे, एल्बर्ट आइंस्टीन जानता था व्हाट द आंसर वुड बी, कि जब वो इस तरह प्रश्न करेगा, पूछेगा, तो वह जानता था कि उत्तर क्या होगा। व्हाट द आंसर वुड बी, आंसर उत्तर क्या होगा, इस बात को आइंस्टीन भलीभांति जानता था। ही वुड हैव टू स्टे अंटिल ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा। ही वुड हैव टू स्टे, उसे रुकना पड़ेगा, अंटिल जब तक कि, ने ही हैड टेकन हिज डिप्लोमा, जब तक कि वह अपना डिप्लोमा, स्कूल से डिप्लोमा पास नहीं कर लेता, तब तक उसको स्कूल में ही रुकना पड़ेगा। गोइंग बैक टू हिज लॉजिंग्स डिड नॉट चीयर हिम अप। गोइंग बैक, वापस जाना, टू हिज लॉजिंग, अपने निवास स्थान पर, लॉजिंग मीन्स निवास स्थान, अपने निवास स्थान पर वापस जाने में
डिड नॉट चीयर हिम अप, उसको खुशी नहीं हुई। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर दैट एल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक। हिज फादर हैड सो लिटिल मनी टू स्पेयर, उसके पिता को इतनी कम बचत होती थी, किसके, आइंस्टीन के पिता को इतनी कम बचत होती थी, या आइंस्टीन के पिता इतना कम बचा पाते थे कि एल्बर्ट हैड बीन फाउंड ए रूम, एल्बर्ट को एक ऐसा कमरा मिला इन वन ऑफ द पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ म्यूनिक, जो म्यूनिक के सबसे अधिक गरीब कमरों में से एक था। कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि आइंस्टीन के पिता इतना कम बचा पाते थे कि उन्होंने एल्बर्ट को म्यूनिक के सबसे गरीब कमरों में से एक कमरा दिलवाया। सबसे गरीब कमरे मीन्स जो सबसे सस्ते कमरे थे म्यूनिक के अंदर, उन सबसे अधिक सस्ते कमरों में से एक कमरा एल्बर्ट को दिलवाया, क्योंकि उसके पिता की बचत बहुत ही कम थी। ही डिड नॉट माइंड द बैड फूड एंड लैक ऑफ कंफर्ट और इवन द डर्ट एंड स्क्वालर। ही डिड नॉट माइंड, उसने चिंता नहीं की द बैड फूड, खराब भोजन की, बुरे भोजन की, एंड लैक ऑफ कंफर्ट, और आराम के अभाव की, आराम के कमी की। आइंस्टीन ने बुरे भोजन और आराम की कमी की चिंता नहीं की, और यहाँ तक कि द डर्ट एंड स्क्वालर, डर्ट एंड स्क्वालर का मीनिंग है गंदगी, और उसने यहाँ तक कि उसने गंदगी की भी चिंता नहीं की। आइंस्टीन ने खराब भोजन, आराम और आराम के अभाव की चिंता नहीं की, या अथवा यहाँ तक कि उसने गंदगी की भी चिंता नहीं की। बट परंतु ही हेटेड द एटमोस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस, परंतु उसे गंदी बस्ती के हिंसात्मक वातावरण से घृणा थी। हेटेड मीन्स घृणा करता था, एटमोस्फियर वातावरण से, स्लम कहते गंदी बस्ती, और वायलेंस मीन्स हिंसा। परंतु उसे, किसे, आइंस्टीन को गंदी बस्ती के हिंसात्मक वातावरण से घृणा थी। हिज लैंड लेडी बेट हर चिल्ड्रन रेगुलरली एंड एवरी सैटरडे हर हस्बैंड केम ड्रंक एंड बेट हर। हिज लैंड लेडी, उसके मकान की मालकिन बैट पीटती थी हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को, रेगुलरली मीन्स नियमित रूप से या रोजाना। उसके मकान की मालकिन रोजाना अपने बच्चों को पीटती थी। एंड एवरी सैटरडे, और प्रत्येक शनिवार को हर हस्बैंड केम, उसका पति आता था ड्रंक, नशे में धुत होकर, एंड बैट हर, और उसको पीटता था। बट एट लीस्ट यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन विच इज मोर देन आई कैन से, सेड यूरी व्हेन ही कॉल्ड आउट इन द इवनिंग। व्हेन, जब यूरी शाम के समय मिलने के लिए गया, किससे, आइंस्टीन से, तो यूरी ने कहा, बट, पर, एट लीस्ट, कम से कम यू हैव ए रूम ऑफ योर ओन, कम से कम तुम्हारे पास अपना कमरा तो है।
कम से कम आपके पास कहने को अपना कमरा तो है, विच इज मोर देन आई कैन से, जो मेरे कहने से ज्यादा है। इस बात को यूरी आइंस्टीन से कहता है। एट लीस्ट यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स इवन इफ दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, सेड एल्बर्ट। एल्बर्ट ने यूरी से कहा, एट लीस्ट कम से कम यू लिव अमंग सिविलाइज्ड ह्यूमन बींग्स, यू लिव तुम रहते हो अमंग बीच में सिविलाइज्ड सभ्य ह्यूमन बींग्स, लोगों के, कम से कम तुम सभ्य लोगों के बीच में तो रहते हो। इवन इफ भले ही दे आर ऑल पुअर स्टूडेंट्स, भले ही वे सब गरीब विद्यार्थी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 2 यहीं पर हम पूरी करते हैं। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपने नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 3 में। टिल देन, बाय बाय।